विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों की योजना बनाना शुरू हो गया है। इसी बीच छात्र जदयू के जिला अध्यक्ष मोहित कुमार ने कहा कि इस चुनाव में जदयू आसानी से जीत जाएगा। जैसा कि हाल ही में राजद में कई विधायक जदयू में शामिल हुए, उनमें से पूर्व विधायक विजेंद्र यादव जदयू में शामिल होने से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिली है। उनके आने से जदयू में और युवा छात्र में भोजपुर जिला का पूरा उत्थान उठ गया है। और टिकट का जहाँ तक सवाल रहा तो सब आला का मान बताएगा क्या टिकट मिलेगा कि नहीं, लेकिन हम अपना जानते हैं कि विजेंद्र यादव जी कदावर नेता हैं, जनधार का नेता है, टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जदयू में तो पहले से कई लोग अभी चुनाव के टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी करने से नहीं, सब आला का मान बताएगा। तो किस तरीके का लगता है इस बार का चुनाव होगा, पार्टी बनाम या आरजेडी बनाम? नीतीश कुमार के काम के लेकर बिहार में तिरछाप का हवा उठ गया है, हमको नहीं लगता है कि राजद का जमानत बचेगा। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी में तेज तेजस्वी की जो बातें बहुत जोर शोर से है युवाओं के लिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि जदयू के लिए चुनाव कितना, आप कह रहे बहुत आसान है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ था और जदयू की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी, तो क्या इस बार वैसा स्थिति होगा या एक पक्षीय कुछ होगा? अरे गठबंधन के चलते पिछले बार तो नीतीश कुमार के चलते तेज प्रताप और तेजस्वी चुनाव भी जीत गए, अब की हमको नहीं लगता वो लोग भी जीतेंगे, और दूसरा का क्या पता। यानी पार्टी में राजद के नेताओं के आने से शक्ति प्रदान होगा या कुछ और ही होगा? बढ़ गया है बहुत ज्यादा, राजद पूरा टूट कर आ रहे हैं, तो अभी क्या लगता है कि और विधायक भी आएंगे आने वाले समय में? समय हमको जब चुनाव बिजी हो हमको लगता है कि सब विधायक भाग कर आएंगे। चलिए।